अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एमडी कैट के हवाले से चंद बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमडी कैट इस साल डिले होगा या नहीं होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पर आपने अभी भी बहुत सी खबरें सुनी होंगी और बहुत सारी पोस्ट भी देखी होंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि एमडी कैट 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी तक ये खबरें जारी हैं कि एमडी कैट डिले हो जाएगा, एमडी कैट सितंबर की बजाय अक्टूबर नवंबर तक डिले हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात क्लियरली बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एमडी कैट इस साल बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। जैसा कि पीएमसी ने 7 सितंबर डेट अनाउंस की है, तो 7 सितंबर को एमडी कैट स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो ये सारी खबरें सुनकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, काइंडली अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो स्टूडेंट्स का जो सारा फोकस है वो सोशल मीडिया की तरफ हो जाता है। एक पोस्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स ऐसी मजीद पोस्ट तलाश करते हैं कि क्या एमडी कैट डिले होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो काइंडली ऐसा मत करें, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बस एमडी कैट पीएमसी की अनाउंस की हुई डेट के मुताबिक 7 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पीएमडीसी आएगी या नहीं और क्या पीएमसी डिसॉल्व होगी या नहीं। तो इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर रोज एक नई पोस्ट आ जाती है जिसमें स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाता है कि पीएमडीसी आ गई है और पीएमसी चली गई है। मैंने देखा है कि हर दूसरे दिन ऐसी कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है और स्टूडेंट्स का सारा ध्यान इसी तरफ होता है कि पीएमडीसी आ गई है, पीएमसी चली गई है, अब क्या होगा, एमडी कैट की डेट चेंज होगी, पेपर पैटर्न चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। तो काइंडली ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। काइंडली ये सारी जो है गलत खबरें हैं, ठीक है ना, जिससे आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी पढ़ाई का लॉस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेट सपोज पीएमसी चली भी जाती है, उसके बाद पीएमडीसी आती है, पीएमडीसी ने भी तो आकर टेस्ट लेना है ना, तो फिर आप इस चक्कर में अपनी पढ़ाई का लॉस क्यों कर रहे हैं। तो काइंडली अपनी स्टडीज पर फोकस करें। तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप। तो रोल नंबर स्लिप को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है कि पीएमसी ने अनाउंस किया था कि इस वीक में रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो काइंडली आप परेशान मत हों, यही एक दो दिन तक रोल नंबर स्लिप का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो का आखिरी और सबसे अहम पॉइंट कि अपनी स्टडी पर किस तरह फोकस किया जाए और डिस्ट्रैक्शन से किस तरह अवॉइड किया जाए। मुझे अंदाज़ा है कि एमडी कैट के दौरान अपनी रूटीन को कितना स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है और इस दौरान डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो इस सब से कैसे अवॉइड किया जाए। तो इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें श्योरली यूज़ करते हुए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं। आई नो एमडी कैट स्टार्ट होने में अब ऑलमोस्ट 9 to 10 days रह गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका फ़ोन है। अपना फ़ोन लें, इसे कहीं साइड में रखें। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपका स्टडी टाइम है, तो उस वक्त आपका फ़ोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ोन को अपने आप से बहुत दूर रखें। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है, कोई नोटिफिकेशन है, सब कुछ छोड़ दें। अभी भी टाइम है, 10 दिन बाकी हैं और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है। अगर आप स्टडीज़ पर अब भी फोकस करें तो आप 10 दिन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग आउट कर दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगा और ना ही हमारे कानों तक कोई आवाज़ पहुंचेगी कि कोई नोटिफिकेशन भी आया है और मुझे चेकआउट भी करना है। उसके बाद दूसरी बात मैंने देखा है कि जब भी स्टूडेंट्स को ब्रेक की ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ कोई ड्रामा, कोई शॉर्ट क्लिप या कुछ भी ऐसा देखने लग जाते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट मज़ीद उसमें डेवलप होता है और फिर पढ़ाई की तरफ वो वापस नहीं आ पाते, यहीं से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए टाइम बहुत शॉर्ट है, जब भी आपने ब्रेक लेना है आप उठें, पानी पिएं, अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कोई गॉसिपिंग कर लें, थोड़ी बहुत आप वॉक कर सकते हैं,
नमाज का ब्रेक ले सकते हैं, कोई तस्बीह कर लें। देखिए, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करें जो आपके लिए यूजफुल हो, जिससे आप फ्रेश भी हो जाएं और आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। उसके बरक्स जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, आप किसी फ्रेंड्स को कॉल या मैसेज करने लग जाएंगे, सोशल मीडिया पर कोई टीवी ड्रामा, यूट्यूब, इंस्टा, कुछ ना कुछ यूज़ करने लग जाएंगे। तो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें। और इस दौरान आपके घर की जो भी पॉलिटिक्स है ना, घरेलू पॉलिटिक्स, उससे दूर रहें। घर में जो चल रहा है चलने दें, क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स अपने फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना, तो वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट फिर लूज हो जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो काइंडली जब तक आपका एमडी कैट नहीं हो जाता, अपने आप को इस मैटर से भी दूर रखें। और इसके बाद सबसे आखिरी बात कि आखिरी 10 दिनों में प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सब कुछ भूल जाएं और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।